रहेगी। अब अगर मैं तुम्हें काली शक्तियों से रंग दूं तो तुम इस दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा बन जाओगे। नहीं, ये काली शक्तियां तुम्हारे लिए। लो मेरा स्पेशल सैंडविच बनकर तैयार है। ये तो बहुत 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 टेस्टी लग रहा है। सुजैन, मुझे थोड़ा चखने दो ना। इस बार नहीं। तो फिर ये सैंडविच किसके लिए है? मैं कल ये हैरी को देने वाली हूँ। मैंने सब परेशानियाँ पार कर ली। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे अपने सैंडविचेस पर पूरा भरोसा है। ये कितना अच्छा है, ये पता लगाने के लिए इसे खाना ही पड़ेगा। अब उन्हें जज करके बताएगा कि हैरी को ये सैंडविच पसंद आएगा कि नहीं, ठीक है? ये नहीं होने वाला। अब उनको ये बेकार सैंडविच नहीं खाने का है। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। पक्का विक्की ने खाया है, मुझे पता था यही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, अपुन ने वहाँ कहीं नहीं खाया। तुम पकड़े गए विक्की। क्या मतलब है कि चोरी पकड़ी गई? तुमने अपुन को खाते हुए देखा? देखा क्या? अगर तुम खुद भी देती तो भी अपुन ये बेकार सैंडविच बिल्कुल नहीं खाता। क्या कहा तुमने? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि वो गायब हो गया, वरना सोच कर देखो हैरी उसे खाकर कितना मायूस हो जाता। मैंने अपने दिलों जान से बनाया था वो सैंडविच हैरी के लिए। एक सेकेंड, तेलो जान से बनाया था वो दुनिया का सबसे बेकार सैंडविच, कौन खाएगा उसे? ठीक है तो विक्की, इसे चखो। और अब से मैं तुमसे कोई टेस्टी चीज कभी शेयर नहीं करूंगी। विक्की, विक्की, क्या तुमने वाकई वो सैंडविच नहीं खाया था? अगर अपुन ने सैंडविच खाया होता तो अपुन इतना गुस्सा नहीं होता। कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने पूरे दिन से मैक्स को नहीं देखा। आखिर वो कहाँ है? आखिर वो कहाँ है? तुमने मैक्स गायब है? कल रात वो सोया भी नहीं। मुझे लगता है वो कहीं चला गया है। क्या? तो शायद मैक्स नहीं सैंडविच खाया होगा। मेरा प्यारा बच्चा, मैं क्या करूं? मैक्स, कहाँ जा रहे हो? बात कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ काम है। अच्छा, और तुम्हारे इस बैग में क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? नहीं, इसे मतलब आ
इसे अपुन को दो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से सुजैन ने सोचा कि अपुन ने उसका सैंडविच खाया है। ये बहुत गलत बात है मैक्स। वो बात नहीं है। बुलावा आया है, तुम्हें जो कहना है बाद में कहना, चलो भिड़ू लोग। सेक्टर S-87 से बुरी खबर आई है। लगता है डैनी का भेजा एक मगरमच्छ हमारे जंगल के दोस्तों का सारा खाना खा रहा है। वो सब भूख से तड़प रहे होंगे। बिल्कुल सही, डैनी ने मगरमच्छ कांचा में एक भूख लगाने वाला वायरस डाल दिया है और उसे पूरी तरह जंगली बना दिया है। एक भूख लगाने वाला वायरस, कितना गलत है ये। और इतना ही नहीं, कांचा के बैक्टीरिया स्लाइम के वार से तुम अपनी शरीर की सारी शक्तियाँ खो बैठो। टेंशन ही लेने का सर, इस तरह के मगरमच्छ से अपन लोग आसानी से निपट लेंगे। हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि जंगल का सारा खाना खत्म हो जाए। फौरन निकलो और कांचा को रोको और जंगल के खाने की रक्षा करो। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। चमड़ी बहुत मोटी है, हमारे वार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग उसे खाली हाथ नहीं लड़ सकते, फोर्स वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर्स वेपन तैयार। फोर्स वेपन्स भी काम नहीं कर रहे, अब उन लोगों को फोर्स सोर्स से कोशिश करनी होगी। तैयार। मेरे शरीर में जान नहीं लग रही। ये है बैक्टीरिया स्लाइम की ताकत। ये बहुत बुरा है, हम इस तरह नहीं लड़ सकते। अब उन लोग को और ध्यान रखना चाहिए था। पिटने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता। इस छिपकली के नाना को मैं देखता हूँ। रोनी, उसके बैक्टीरिया स्लाइम से बच के रहने का, वो शक्तियों की बाट लगा देगा। फिक्र मत करो, तुम खुद को साफ करो, तब तक मैं इसे निपटा दूंगा। ठीक है, इसे हटाने के लिए फोर सोर्स की हीट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। मगरमच्छ, अब दिखाता हूँ तुझे। Force sword, tayar! सारा स्लाइम हटा लिया है। थैंक यू बॉस, बाकी अपन संभाल लेंगे। बॉस बो तैयार हो। तैयार। बॉस बॉय तैयार हो। तैयार। बॉस बॉय फायर। No!
और नहीं लड़ सकता, भूख लगी है। हाय दोस्तों, मैं आ गया। अब समझा, इसीलिए मैक्स सारा खाना ले जा रहा था। और हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दो मैक्स। मैक्स जताना नहीं चाहता था कि वो दूसरों की मदद कर रहा है। मैक्स वाकई एक नंबर का पंटर है। दोस्तों ये देखो, मैं स्वादिष्ट खाना लाया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। नन्हे खरगोश, तुम्हें तो तंदुरुस्त होने के लिए खूब खाना होगा। हाँ, पर मुझे तुम्हारे जैसे बड़ा और ताकतवर बना है मैक्स। बिल्कुल, अब कौन है। कितना बढ़िया है, मैक्स सभी का कितना ख्याल रख रहा है। वो बहुत अच्छा है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना कितना अच्छा है। ये सब अपन लोग भले ही दोस्त हैं, पर ये तो सबसे कमाल का है। तुम यहाँ अकेले अकेले हीरो बनने को चला है तू। ये लो। आपका बहुत शुक्रिया। खाओ खाओ, ऐसे और खाना लेकर आऊंगा, अब उनका पक्का वाला वादा है। वाह, शुक्रिया। ए, मैक्स, तुम तो एकदम कमाल के निकले यार। तुम्हें अपन लोग को बताना चाहिए था कि तुम ये सब सोच रहे ले हो। सच में हमें ये पता ही नहीं था और हम खा तुम पर शक कर रहे थे। माफ करना। मुझे भी माफ कर देना, लेकिन हमसे पूछे बगैर खाना ले जाना सही भी नहीं था। माफ करना, मुझे बिना बताए खाना लाना पड़ गया। दरअसल कांचा की वजह से जंगल में खाना खत्म हो गया था और मैं इसके इंतजाम में बहुत व्यस्त हो गया था। अच्छा, ऐसा लगता है हमें और ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगी। पर हमें करना क्या होगा? क्या मतलब तुम लोग का? अब उन लोग को दबा सुजैन को कहकर और ज्यादा खाना मंगवाना होगा। लगता है कांचा में जो बदलाव हो रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। मेरी काली शक्तियों और आपकी तकनीकों को मिलाकर हम दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बना रहे हैं। तो अब जाओ कांचा और मजा डालो तबाही। खाली पड़ा है। कोई बताएगा कि फ्रिज का सारा सामान कहाँ गया? हाँ, मैंने इसे जंगल के हमारे दोस्तों को दे दिया है। सारा का सारा? जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, ये तो उनके लिए कम ही होगा। फिर भी तुम्हें कुछ तो छोड़ना चाहिए था। तुम सारा खाना कैसे ले जा सकते हो? हाँ, वैसे जब तक अपन लोग उनकी मदद कर रहे ले हैं, ये तो चलेगा ही। तो फिर मैं भी तुम सबको बाहर निकालने में मदद करती हूँ। वोला, ये लो और इन्हें भी जंगल के जानवरों को दे दो। मेरी मूंगफलियाँ, इन्हें मुझे दे दो। तुमने सोचा तुम इन्हें छुपा लोगे? तुम्हें इन्हें भी जानवरों की मदद के लिए देना चाहिए था। सब कुछ ले लो पर ये मूंगफलियाँ छोड़ दो। नहीं। ये लो मैक्स। वाह, जंगल के जानवरों को वाकई ये पसंद आएगा। विकी, अब गुस्सा छोड़ो यार। गुस्से में है, मेरे लिए ये कीमती है। मुझे लगा कि तुमने कहा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी बात पर कायम रहो विकी, अंदर कुछ और तो नहीं रखा मदद करने को? मैं देखती हूँ।
अपन अपनी मूंगफलियों की कुर्बानी दे देगा अगर ये जानवरों के किसी काम आए तो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उन्हें ये मूंगफलियां पसंद आएंगी? विकी बुलावा आला है, चलना पड़ेगा। एक आपातकाल है, ब्लूबेल गांव में कांचा दिखाई दिया है और वो सभी का खाना खा रहा है। ऐसे कैसे, कितना निर्दयी है। और हाँ, डैनी ने कांचा में तब्दीलियां करके उसमें खतरनाक लपटों से हमला करने की शक्ति लगाई है जिससे वो पूरे गांव को जला देगा। दहशत फैलाना तो डैनी की पुरानी आदत है। कांचा की खतरनाक चिंगारी फोर्स पोर्ट के आवरण को पिघलाने में भी काफी है, उससे निपटने में तुम्हें खास ध्यान रखना होगा। टेंशन नहीं लेने का सर, इस बार हम कांचा को सबक सिखाकर ही रहेंगे। अब ज्यादा वक्त नहीं है, रॉनी वहीं पर था इसलिए वो वहाँ पहले से ही है, पर ये उसके अकेले की बस की बात नहीं है। तुरंत फोर्स कार को लेकर जाओ और रॉनी की मदद करो और गांव को बचाओ। सर, यस सर। फोर्स कार तैयार। तैयार। काफी नुकसान हुआ है, ऐसा एक और हमला हुआ तो हम पिघल जाएंगे।
फिर तो अपन लोग को फोर वे फ्यूजन से हमला करना होगा। ठीक है। गर्मी का एहसास कराएं। सुपर फोर्स लेजर हमला। अब फोर वे फ्यूजन से हमला करने का फोर्स बॉट वेपन फोर वे फ्यूजन मिल जाओ। Force cannon!